लॉकअप के सेट से आ रही है एक बड़ी खबर। जी हाँ, एक्सक्लूसिव खबर। हाल फिलहाल क्या है और क्या ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं मेकर्स लॉकअप में, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, लॉकअप को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और काफी अच्छे जो रिस्पॉन्स है इस शो को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, कहीं ना कहीं बिग बॉस से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि हाल फिलहाल बिग बॉस से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लॉकअप को मिल रहा है। और दरअसल एक क्वेश्चन भी यहाँ पर रेज होता है और वो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इस शो को बिग बॉस जैसा बनाने की कोशिश जो है वो कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये जेल जितनी हार्श होगी और इसमें रियलिटी जो है उतनी ही नजर आती हुई नजर आएगी और साथ ही कंटेस्टेंट्स को भी पसंद किया जाएगा। फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं रियलिटी को और अगर इसे इस तरीके से बनाया गया है तो वही चीजें दिखाना चाहिए जो कि रियलिटी है। अब बात करते हैं कि आखिर में क्या ट्विस्ट आ सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जेल के अंदर काफी सारी कैदी हैं और कैदियों को कंट्रोल एक जेलर कर रहा था। हाल फिलहाल जो टेम्प्रेरी जेलर था वो था रवीना टंडन जी, और वही अभी तक जो जेलर बनी हुई थी, बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने करने को कही थी। लेकिन अब जो है ट्विस्ट ये आएगा कि अब जेलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ, लॉकअप के अंदर जो है जिस तरीके से टास्क खेले गए थे उसे भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, और यहाँ पर ये एक नई चीज है कि अगर टास्क आप जीतोगे तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी चीजें बिग बॉस के घर में थी ही नहीं, जहां पर फैंस ने ये भी चीज उठाई है कि लॉकअप में जब भी कोई टास्क जीतता है तो उसे जो है उसका उस जीत को महसूस करने का जो है मौका मिलता है, यानी कि उसे बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि बिग बॉस में टास्क किया और कुछ भी ना मिला। तो ये सारी चीजें हैं। हाल फिलहाल जो ट्विस्ट ये है कि जेलर नया आएगा और कौन होगा जेलर, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल, आपकी क्या रिएक्शन रहे इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।